हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगी। तो आज इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2024 का प्रोस्पेक्टस डाउन जो है आपका रिलीज कर दिया गया है। अब इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि इसमें इस साल 2024 में टोटल कितने एम्स हैं जो आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने वाली, टोटल कितनी सीट मैट्रिक्स है, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जनरल के अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उनकी कैटेगरी का वैलिड डेट क्या होना चाहिए, किस डेट में आपका जो है सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो आपका इस साल 2024 में उसका आप बेनिफिट ले पाए। ओके, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, साथ ही साथ टोटल कितनी एम्स की कॉलेजेस है जो आपका इस साल 2024 में एडमिशन लेगी, साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का, पैरामेडिकल की एग्जाम डेट पोस्टपोन कर दी गई है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि न्यू डेट आपका क्या आया। पहले आपका 6 जुलाई को एग्जाम होने वाला था लेकिन अभी आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, कितना मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आप 2024 की इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो और उसके साथ ही साथ मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और साथ ही साथ आप डेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के साथ ही साथ आपको सभी ऑफिशियल अपडेट भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी एम्स है, एम्स दिल्ली के अलावा कितनी अनदर कॉलेजेस हैं जो आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपका एक नंबर पे आ गया एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के अलावा यहाँ पे टोटल 15 कॉलेजेस और हैं जो आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए एडमिशन लेती है। इसमें से कुछ आपका बीएससी नर्सिंग के लिए, सारी बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेंगी लेकिन यहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्सेस है वो बहुत सारे कोर्सेस होते हैं तो सारे कॉलेजेस है वो सारे कोर्स नहीं करवाती, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिल जाएगी। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और उसमें हम आपको रिप्लाई देंगे कि कितना स्कोर आपको मिनिमम करना होगा, साथ ही साथ कैटेगरी जरूर मेंशन कर दें। तो यहाँ पे टोटल कोर्स कितने एम्स है, उसमें से 16 एम्स है जिसमें से एम्स रायपुर, उसके बाद ऋषिकेश, भोपाल, बठिंडा, भुवनेश्वर, कल्याणी, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, बिलासपुर, नागपुर, मंगलगिरी, उसके साथ ही साथ पटना, बीबी नगर और रायबरेली, ये टोटल 16 कॉलेज है जो एम्स दिल्ली को मिला के है, ठीक है, जिसमें आप इस साल 2024 में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या है, मतलब किस डेट तक आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक है, जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया वो कब तक कर सकता है, और साथ ही साथ आपकी एग्जाम डेट जो पोस्टपोन्ड हुई है वो क्या डेट है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करें फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप यहाँ पे जो है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी तो 5/3/2024 से स्टार्ट हुआ था, 4 अप्रैल तक ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, जिन स्टूडेंट्स ने फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो आप अपना एडमिट कार्ड के लिए वेट करें। तो यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो 8/4/2024 तक आप कर सकते हो। ओके, और आरएससी कोड जनरेट करने का सारा प्रोसेस है वो आपका 12/4/2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट, बीएससी नर्सिंग की एग्जाम की डेट में आपके कोई भी चेंजेस नहीं किए, वो पोस्टपोन नहीं हुई है, एग्जाम है आपका 8/6/2024। ओके, बट यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की जो 6 जुलाई को आपको एग्जाम होने वाली थी उसको 22 जुलाई को जून को कर दिया गया, ठीक है, तो वो आपका जो जुलाई में होने वाला था वो आपका जून में होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, मतलब आपका बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो दोनों एग्जाम है वो एक ही मंथ में होने वाली है, एक आपका 8 जून को होगा और एक आपका 22 जून को होने वाला है, जो पहले आपका 6 जुलाई को होने वाला था बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का एग्जाम वो अभी 22 जून को होने वाला है। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि हमने यहां पे एग्जाम डेट पोस्टपोन हुई है उसकी अपडेट आपको दे दी है। ओके, नेक्स्ट आपको हम यहां पे बात क्या आगे की, एक बार फिर से आप जो है पोस्ट बेसिक से स्टूडेंट है तो आप देख लीजिए इनका आपका एंट्रेंस एग्जाम क्या है और रिजल्ट किस डेट को आने वाला है। यदि आप बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करेंगे तो उसके लिए आप एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम 22 जून को होगा और आपका रिजल्ट है वो 27 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद में हम बात करेंगे एम्स जितने भी कॉलेजेस है, यदि आप बीएससी नर्सिंग के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम डेट है वो 8 जून को होगा और आपका रिजल्ट है वो 18 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि आपका रिजल्ट है वो 18 जून को रिलीज हो जाएगा और उनका बीएससी पैरामेडिकल कोर्स का 27 जून को रिलीज होगा, एग्जाम डेट थोड़ी पोस्टपोन हुई है उसकी हम बात कर ली है। ओके,
अब यहाँ पे टोटल फीस की बात करें तो फीस आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने फॉर्म फिल किया, उनको पता है कितना फीस पेमेंट लगा है। जनरल से यदि आप बिलोंग करते हो तो 2000, ओबीसी से आप बिलोंग करते हो 2000, एससी से 1600, एसटी से 1600 और ईडब्ल्यूएस से 1600 रुपये लगने वाला है। इसके पहले हमने वीडियो से आपको समझा दिया है। ओके, अब टोटल सीट मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें कि कितने सीट है आपके जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टोटल सीट मैट्रिक्स एक बार हम देख लेते हैं कि कितना यहाँ पे है। तो टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2511 टोटल सीट आपका यहाँ पे है, जिसमें से आपका 511 सीट टोटल मिला के हुआ सारी कैटेगरी से, जिसमें आप जनरल की 217 आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कैटेगरी की कितना है। जनरल के बाद में ओबीसी के लिए आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो है आपका 131 सीट, लगभग 131 सीट आपका यहाँ पे है। 217 आपका जनरल का, 131 आपका जो है ओबीसी का, उसके बाद में एससी एसटी का 73 और 40 सीट एसटी का, 50 सीट आपका जो है ईडब्ल्यूएस का। ओके, उसके साथ ही साथ आपका टोटल जो सीट है फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो वो 511 सीट पे आप एडमिशन लेने वाले हो, जो ऑल इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम देके आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको ये सीट अलॉटमेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितना सीट है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपका टोटल जो सीट है वो है 1231 सीट पे आप एडमिशन ले सकते हो, जिसमें जनरल का आपका जो है टोटल सीट है 484, ओबीसी में 117, उसके बाद एससी में आपका 318, एसटी में 170 और 87 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी, सॉरी यहाँ पे 117 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए, और वहाँ पे भी आप ईडब्ल्यूएस का ये सीट है वो मेजर कर सकते हो, पैरामेडिकल में आपका 73 सीट है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुका है कि 117 सीट ईडब्ल्यूएस का, उसके बाद एक 318 सीट है वो यहाँ पे ओबीसी का है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। 484 सीट है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 117, उसके बाद ओबीसी का 318, एससी का 170 और एसटी का 87 सीट यहाँ पे टोटल सीट मैट्रिक्स है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि टोटल कितना सीट मैट्रिक्स है। 1231 सीट आपका टोटल है, उसमें से 484 जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 117, ओबीसी का 318, एससी का 170 और एसटी का 87 सीट है, वो टोटल सीट मैट्रिक्स इस साल 2024 में रहने वाला है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद में हमने डिग्री कोर्सेज के बारे में आप सभी को पहले भी बता दिया कितने साल का आपका डिग्री कोर्सेज है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कितना मिलने वाला है, आरक्षण कितना मिलेगा, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें, ओबीसी को यहाँ पे 27% मिलेगा, एससी को 15%, एसटी को 7.5 और ईडब्ल्यूएस को 10% यहाँ पे जो है आरक्षण या रिजर्वेशन मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होगा। अब कितनी उसकी वैलिड डेट है उसकी हम बात कर लेते हैं। ओबीसी की बात करें फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए हम बात करें, ओबीसी के यदि आप स्टूडेंट हो और आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो आपका एग्जाम है वो 8 जून 2024 को होने वाला है। तो आपका जो है वेरी डेट है ओबीसी एनसीएल जो बना होना चाहिए वो होना चाहिए 9/6/2024 से, ठीक है, 9/6/2024 से 8/6/2024 से पहले पहले का आपका जो है वेरी डेट में होना चाहिए। मतलब आप क्लियरली यहाँ पे हम बता रहे हैं 9/6/2023 के बाद, इस डेट के बाद, और आपका 8/6/2024 इस डेट के बीच में ही आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि इस डेट से एक दिन भी ऊपर गया तो आपका वो वैलिड नहीं होगा। तो बीएससी नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, यदि आपके पास ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं, वो वैलिड होगा। इसी मंथ में यदि आप बनवाएंगे तो वैलिड होगा, अगले मंथ में भी आप बनवाएंगे तो वैलिड होगा। ओके, और यदि आपका इस डेट से मतलब लगभग आपका 2024 का भी होगा तो आपको वैलिड होगा, क्योंकि यदि एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ तो ये सारी डेट है वो भी आपकी पोस्टपोन हो जाएगी। तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना है, आपको 2024 से ही बनवा लेना है, मतलब 2024 का होगा तो आपका वैलिड हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियरली हो चुकी है। वहीं हम बीएससी पैरामेडिकल की बात करें, यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आपका डेट सेम 23/6/2023 से 22/6/2024 होने वाला है। मतलब एग्जाम डेट, मतलब आपकी एग्जाम डेट 23/6 और 2023 से लेके 22/6/2024 के बीच में आपका होना चाहिए। तो यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी करना चाहते हैं तो आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके इस डेट के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि आप 2024 के किसी भी डेट का बनवा लेंगे अभी तो आपका वैलिड होगा, चाहे आप जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ का, या मार्च मंथ में बनाए हो, या अप्रैल में आप बनवाने वाले हो, तो आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें ओबीसी
ओबीसी के बाद हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दोनों का अलग अलग है। यदि आप ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स के पास वो ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड डेट में नहीं होता, इस वजह से उनका जो है जनरल कैटेगरी से जो है काउंसलिंग होता है और ईडब्ल्यूएस को काफ़ी कम स्कोर पे भी जो है एडमिशन मिल जाता है। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है, अभी से ध्यान रखना है कि आपका वैलिड डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे एग्जाम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है 8 जून 2024 को। अब वैलिड डेट के लिए सिर्फ आपको 2 महीने दिए गए हैं, मतलब आप 1 4 यहाँ पे 5 महीने आपको 4 5 महीने आपको देखो 1/04/2024 मतलब आपको समझ में आ चुका कि आप जो है मार्च मंथ में भी आप अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, आपको बनवाना होगा अप्रैल मंथ में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से यदि आप बिलोंग करते हो और आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका वैलिड डेट होना चाहिए अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से आपका वैलिड डेट होना चाहिए और 8/06/2024 मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपका सिर्फ 2 मंथ ही दिया गया है, इसलिए आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के पास ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता, सिर्फ आपको 2 मंथ मिला है। आपको बीएससी नर्सिंग की तरह आपको 1 साल का टाइम नहीं दिया गया, आपको जो है यदि बीएससी नर्सिंग की तरह मतलब सॉरी ओबीसी की तरह आपको ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को 1 साल का टाइमिंग नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे 2 मंथ ही दिया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि सिर्फ 2 मंथ आपको ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को मिलेगा फॉर अपने वैलिड सर्टिफिकेट के लिए। तो आपको अप्रैल मंथ में बनवाना है, अप्रैल या मई में आप जो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो ईडब्ल्यूएस का। ओके, वहीं हम बात करें पैरामेडिकल के कोर्स, तो इसमें भी आपका 1/04/2024 मतलब अप्रैल मंथ से आप 22/06/2024 तक अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, तो आपको अप्रैल मंथ के 1 तारीख के बाद ही आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, और वो आपका 26/06/2024 से पहले पहले का होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे चीज़ समझ में आ चुकी है। अब किस तरह से आपका यहाँ पे मिनिमम जो आपका एज की बात करें तो आपका मिनिमम एज है वो 17 होना चाहिए। ठीक है, और आपका देख सकते हो यहाँ पे 17 आपका मिनिमम एज होना चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ चुका है आपका। उसके बाद में हम बात करें 12th 10th 10th 12th का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना हो तो मिनिमम आपको जो है जनरल से बिलोंग करते हो, मतलब आपका 12th में जनरल से लिया बिलोंग करते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस और से बिलोंग करते हो तो आपको 55% चाहिए होंगे किसमें, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें आपका यदि 55% से कम है तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस एग्जाम का क्वालिफिकेशन स्कोर नहीं दे पाएंगे। ओके, तो आपका मिनिमम है 12th में 55% होना चाहिए। ओके, उसके बाद ही हम बात करें एससी एसटी में, तो आपका 50% एससी एसटी में होना चाहिए। तो पहली आपका पहला रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आपको 12th पास आउट किया है होना चाहिए। यदि 12th पास आउट किए हो तो उसमें आपका मिनिमम स्कोर किस किस सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, ओके, और उसके बाद बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इसमें आपका मिनिमम स्कोर है वो 55 होना चाहिए। जनरल यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% होना चाहिए, 50% आपका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ का आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपको क्लियर होने के बाद अब उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बारे में हमने बात कर ली, जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सिटीज़ की बात करें, एग्जाम सेंटर की बात करें कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आएगा, तो एग्जाम सेंटर फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए आपका ऑल इंडिया में आपका सेंटर दिया जाएगा, लेकिन आपको पैरामेडिकल के लिए सिर्फ दिल्ली में आपको एडमिशन मिलेगा और उसके साथ ही साथ पोस्ट बीएससी के लिए भी आपको दिल्ली में ही सेंटर मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से स्टेट में आपको जो है मिलने वाला है सेंटर मिलने वाला, तो वो यहाँ पे आपको सारा मेंशन है कि कौन कौन सा सेंटर आपको दिया जाएगा, जिसमें कोलकाता, देहरादून, चेन्नई, जोधपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, उसके बाद बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, रायपुर और पटना, गुवाहाटी, ओके, उसके बाद तिरुपतिपुरम। ओके, तो ये सारे सेंटर है वो आपको दिए जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। ओके, और वहीं हम बात करें टोटल आपका जो एग्जाम है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 30 30 30 आपका बीएससी नर्सिंग के लिए को जो है आपका आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ चुका है, टोटल आपको जो है 120 मिनट दिया जाएगा, 120 2 पंद्रह आपको मिलेंगे, मतलब टोटल आपको 120 मिनट है वो मिलने वाला है। ओके, वहीं हम बात करें बीएससी पैरामेडिकल के लिए, तो बीएससी पैरामेडिकल के लिए आपको 90 मिनट आपको दिए जाएंगे टोटल, जिसमें से आपका मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं और ईच पार्ट से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ चुका है।
उसके बाद में हम बात करें ओबीसी मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको कितना होगा, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आपका स्कोर आता है, कोई भी स्कोर आता है, मान लीजिए आपकी 60 स्कोर आ गया, आपका 50 स्कोर आ गया, तो आपका मिनिमम मतलब जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, तो मेरिट लिस्ट में आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, तो मेरिट लिस्ट में आपका क्वालिफिकेशन स्कोर, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हो रहा है, तो उसमें आपका 90 पे टॉपर रहता है, ठीक है। तो 90 पे जो टॉपर रहेगा उसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। 100 परसेंटाइल से आपका मिनिमम है वो 50 परसेंटाइल यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए, और 45 परसेंटाइल है वो आपका ओबीसी के लिए होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन स्कोर या मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको कितना जो है स्कोर करना होगा, 100 में से आपको कितना स्कोर करना होगा। तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन है 50 परसेंटेज है, परसेंटाइल है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है। परसेंटाइल किस तरह से होता है, मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर था जिसमें आपका 90 पे टॉपर है, तो उसको 90 को ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए सॉरी एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। वहीं हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस है वो आपका फुल सिलेबस आएगा, आपको नीट की तरह जो है इसमें डिडक्ट नहीं किया गया, 11th 10th 12th बहुत सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके जितने भी चैप्टर है वो उसमें कोई भी कटौती नहीं हुआ है, सारे चैप्टर आपके आएंगे। तो पहले हम जो सिलेबस कवर कर रहे थे टेस्ट सीरीज में भी, वो आपके फुल सिलेबस में से नहीं थे, जो आने वाले टेस्ट सीरीज है उसमें से आपका फुल सिलेबस टेस्ट है वो दिए जाएंगे, ओके। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज की वीडियोस देख सकते हो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि किस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना, सारी चीज़ें हमने हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद में और कोई चीज़ आपका यहाँ पे सब चीज़ें आपको हमने बता दी है। नेगेटिव मार्किंग, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ओके। यदि आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यदि आप एक 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट और कोई चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं आपको। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, सारी चीज़ें ये भी डिस्कस हो गई है। अब उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हम आपको बाद बता देंगे, ये आपको अभी ज़रूरी नहीं है। एडमिट कार्ड इश्यू बाय एम्स दिल्ली, ये सब चीज़ें आपको बाद में बता दिया जाएगा, ओके, इसकी आप टेंशन नहीं लें। नेक्स्ट हम बात करें, उसके बाद में यहाँ पे वैलिड डेट आपको दी गई है, उसको आपको पता है, ओके, इसकी कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई है पहले से, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज इस वीडियो में हमें इतना ही एक्सप्लेन करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको फीस, टोटल फीस हमने पहले डिस्कस कर लिया गया है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे और कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी शायद, पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ओके। स्टेप सबको सबको पता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, उसके हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही, आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।